अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम मुर्गा लेके आए हुए हैं। ये देखें, हमारा जो मुर्गा मर गया था ना, उसी जगह पे हम एक और नया मुर्गा लेके आए हैं मुर्गियों के लिए। तो भाई साहब इसको ना मुर्गियों में छोड़ते हैं पहले। तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ भाई साहब, मिल नहीं था रहा। तो भी दुकानों में मैंने पता किया लेकिन नहीं था मिल रहा। मैं फिर अपने गाँव से लेके आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा मिल गया मुर्गा। तो भाई साहब अभी मैं ना मुर्गियाँ छोड़ने लगा हूँ, ताकि जो है ना ये मुर्गे के पास जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुर्गियों को छोड़ दिया हुआ है। देखते हैं ये मुर्गे के पास जाती हैं या नहीं जाती। अभी डर रही हैं अभी उससे, मुर्गे से अभी डर रही हैं। तो इंशाल्लाह इनका डर ख़त्म होगा तो फिर ही इनको जो है ना हम अभी चिक्स वाली मुर्गी जो है ना उसको भी छोड़ देते हैं भाई। देखते हैं ये क्या करती है अभी। तो तरपाल जो है ना वो मैंने कर दी हुई थी, धूप काफी ज्यादा आ गई हुई थी तो इसलिए जो है ना हमने तरपाल को जो है ना पौधों के ऊपर कर दिया था। ये देखिए माशाल्लाह बूर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है माशाल्लाह लेमन के पौधे को। तो ये जो मैंने आपको डोडी दिखाई थी वो फूल खिल के तो अभी मुरझा आ गया हुआ है। गुलाब है ना जो इनकी जो शाखें निकल रही हैं अभी काफ़ी माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं ये भी। और ये फूल ये देखे माशाल्लाह यार बहुत ही खूबसूरत फूल है ये माशाल्लाह। देखिए बाकी पौधे हमारे माशाल्लाह सारे ठीक है। है ना वो मुर्गियों के पास आ रहा है लेकिन मुर्गियां भी इससे डर रही हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा मुर्गा है हमारा। है ना हमारे माशाल्लाह बहुत खुश है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना देखें हवा काफी ज्यादा लगती है तो क्योंकि चारों तरफ से ये ना काफी हवादार है। दोस्तों मेरा माइंड है अभी कि मैं ना इनके बच्चे भी देखूं कितने कितने बड़े हो गए हुए हैं और कितने नहीं। तो अभी ना पैरट्स के बच्चों को देखते हैं, बेबी पैरट्स। पैरट्स के बच्चे जो है ना काफी माशाल्लाह फिट हो गए हुए हैं, काफी बड़े हो गए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो जल्दी जो है ना ये जवान हो जाएंगे, इनके भी जो है ना जोड़े लग जाएंगे, ये भी अंडे देंगे। और मुझे तो ये वाला जो मुर्गा है ना बहुत ही खूबसूरत लगा है। तो भाई साहब इसका नाम क्या रखें, तो कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या नाम रखें। तो और कमेंट में ये भी बताइएगा लाजमी कि आपको मुर्गा कैसा लगा। तो इंशाल्लाह हम और भी पैट्स जो है ना वो मैं लाना चाह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा। तो इंशाल्लाह जो है ना आपके साथ लाजमी वीडियो शेयर करेंगे। तो अभी कमेंट में लाजमी बताइएगा मुर्गा कैसा लगा और मुर्गे का नाम क्या रखें हम। तो ये देखें माशाल्लाह ये ना दरअसल केज बंद हो गया है और मुर्गी जो है ना अंदर है। देखें चीक किधर आ गया हुआ। चलो अभी भाग जाओ उधर अपनी मम्मा के पास भाग जाओ। ये वाला जो चिक है ना ये यार बहुत ज़्यादा तंग करता है, इसका भी हल करते हैं नहीं तो इसमें ना वो देखे माशाल्लाह से मुर्गा क्रॉस करना स्टार्ट हो गया है मुर्गियों को। चलो भाग जाओ अंदर। चलो मुर्गी इनकी मामा भी बाहर आए ना तो इनको हमने अलहदा कर देना है इसकी इनकी मामा से इंशाल्लाह। चलो भाग जाओ। मुर्गी को हम वैसे ही पकड़ लेते हैं, मुर्गी मारती भी है भाई साहब। मुर्गी को मैंने वैसे ही पकड़ लिया हुआ है तो मुर्गे के पास छोड़ देते हैं इसको। जो मुर्गी है ना, मुर्गी और मुर्गा तकरीबन सेम नस्ल के हैं, ये असील और देसी टाइप हैं ये। तो इनके जो इंशाल्लाह हम अंडे निकलवाएंगे ना वो बहुत ही प्यारे चिक्स निकलेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए जो है ना मैंने इस मुर्गी को भी इस मुर्गे के साथ लगा दिया हुआ है।
तो इंशाल्लाह ये अंडे देंगी और इनके बच्चे निकलवाएंगे हम इंशाल्लाह। देखें मुर्गा, मुर्गा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मुर्गी नहीं, इसको घास ही नहीं डाल रही अभी। तो अभी मुर्गियों और मुर्गे को ना एक केज में बंद कर देते हैं इंशाल्लाह। चलो भाई भाग जाओ उधर, चलो चलो भाग जाओ, चलो। मुर्गियों को और मुर्गे को हमने ना केज में बंद कर दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। चिक्स वाली मुर्गी के काम चेक करें आप, ये देखें फिर से इधर आ गई हुई है, वो देखें वहां से ना फिर इधर आ गई हुई है। बाकी मुर्गियों ने भी इधर आ जाने हैं, इसका कोई ना पक्का इलाज कर लेते हैं भाई साहब। तो अभी मैंने जो है ना तोड़ा वगैरह इधर वाली साइड पे कर दिया हुआ है इधर भी, तो अभी मुर्गियां जो है ना इधर वाली साइड पे नहीं आएंगी। तो दोस्तों अभी हमने मुर्गे को ना मुर्गियों के साथ छोड़ दिया हुआ है, तो मुर्गी जो थी ना चिक्स वाली वो भाई साहब फिर से अपने केज में आ गई हुई है, क्योंकि हमने पार्टीशन जो है ना वो तोड़ों से की हुई है, आटे वाले जो तोड़े होते हैं उनसे, तो इसलिए ना वो फ्लांग के फिर इधर वाली साइड पे आ गई हुई है अपने बच्चों की तरफ। तो अभी भाई साहब धूप बहुत ज़्यादा, ऊपर बहुत गर्मी है, तो वीडियो यहीं पर करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अल्लाह हाफिज़।